के थाना क्षेत्र दन्नाहार के चौकी बरौली ग्राम में पहुंचा हूं, जहां पर एक पानी की टंकी लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है प्रत्येक ग्राम पंचायत में पानी की पेयजल टंकी लगाई जाए और जनता तक पानी पहुंचाने का और बिजली पहुंचाने का कार्य किया जाए, ऐसा सरकार का आदेश है। तो यहां ग्राम बरौली में भी पानी की टंकी बन रही है, लेकिन यहां से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम बरौली है। और मैं जो पानी की टंकी की बात कह रहे हैं, वो पानी की यहाँ समर है, यहाँ से पानी निकलेगा, इसके द्वारा ही टंकी में पानी जाएगा जब टंकी बनकर तैयार होगी। और जो चारगद्दी की जो क्या नाम पिलर गाड़े जाते हैं उसके शिलान्यास यहाँ से ये बराबर है, यहाँ पर निहास खुद चुकी है। और कैमरामैन पर्सन जरा दोबारा फिर टंकी दिखाने की कोशिश करें कि लोहे की टंकी यहाँ पर बनाई गई, यहाँ से पानी का स्रोत निकलेगा, पानी के स्रोत निकलेगा। लेकिन यहाँ इस पानी की टंकी को लेकर ग्रामवासी काफ़ी नाराज हैं कि पानी की टंकी यहाँ पर ना बनाई जाए। ये यथागत स्थिति को देखते हुए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और जानकारी करने के लिए कि ये टंकी पानी की यहाँ क्यों नहीं लगाई जाए, इसका क्या कारण है, ग्रामवासी क्या चाहते हैं। मैं उनसे अभी वार्ता करूँगा, हुबरू जन पूछूँगा क्या मामला है। ग्राम के अंदर जब विकास कार्य नहीं होता है तो जनता से लेकर जनमानस तक विकास कार्य को लेकर हंगामा मचाते हैं, प्रधान भी हंगामा मचाते हैं कि मेरे ग्राम में विकास कार्य के लिए पैसा दिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पैसा तो दे रही है, कहीं ना कहीं पैसा आने की तो बात तो ठीक है, पेयजल टंकी भी बनाई जा रही, लेकिन कारण निकल कर सामने तो आ रहा है। जो लगभग 16 मीटर का जो रोड बना हुआ है, ऐसे रोड लगभग ग्राम में काफ़ी तहस नहस किए जाएंगे, इसकी भरपाई कौन करेगा, ये पैसा दोबारा आएगा या नहीं आएगा। रोड खराब होने के बाद जबकि यह टंकी बनना चाहिए था रोड बनने से पहले, जिसको लाखों की लागत से ये रोड और गलियां नाले बनाए गए, इसका सौंदर्यीकरण खराब ना हो। मेरे पीछे लगभग गांव के लोग काफ़ी इकट्ठे हैं और मौजूद हैं, इस बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं कि कार्य प्रगति पर होने से पहले इसका समाधान भी किया जाए। पानी की टंकी लगभग 200, 100, 400, 500 के लगभग 3 ग्राम में लोग रह रहे हैं, लेकिन जिस गांव में मैं पहुंचा हूं, यहां की लगभग जनसंख्या 1200 के लगभग है, जबकि टंकी इस लगभग इस ग्राम के समीप 1 किलोमीटर की रेंज में होना चाहिए, लेकिन टंकी बनाई जा रही है 4 किलोमीटर रेंज की। इसकी शिकायत जिला अधिकारी मैनपुरी को भी की गई है और उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय मैनपुरी में भी शिकायत जिला सत्र न्यायालय जिला अधिकारी और जिला जज को भी कर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं टंकी भू माफिया अपनी दबंगी की चरम सीमा पर दिखा रहे हैं, लेकिन जबरन टंकी पानी बनाई जा रही है, ग्राम प्रधान भी कहीं ना कहीं सहमति पर आ रहे हैं। तो ग्राम के मेरे लोग लगभग पास में मौजूद है, पूछेंगे इसके हंगामा क्यों कर रहे हैं। क्या नाम है महोदय, तेज बोला कैमरा में, कैसे बढ़ के यहाँ जरा रामधीर सिंह चौहान। ये जो हंगामा गांव का काटा जा रहा है, इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है, जो हंगामा ये आप काट रहे पानी टंकी ना बने, पानी की टंकी पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पानी से तेज बोले 25-30 फुट पानी है मेरे यहाँ, जरूरत नहीं, फिर मुश्किल से गली बन पाई है, इस गली दोबारा खुदेगी फिर गली बेकार हो जाएगी, रास्ता बेकार हो जाएगा। लगभग जो जो सड़क जो बनी थी गलियां बनी, क्या लगभग कितनी लागत में इसका सौंदर्यीकरण हुआ होगा, पैसा लगा होगा, अंदाज क्या है, कितना पूरी ग्राम पंचायत में मेरे सामने एक युवा है, वो कुछ बता रहे हैं, उनसे पूछे कि लगभग ये गांव में जो विकास कार्य हुआ कितनी लागत में हुआ होगा, भाई जरा हाथ बताएं, ग्राम पंचायत में या फिर इस रोड की बात करते हैं, मैं समस्त ग्राम की बात कर, ग्राम पंचायत में कम से कम 70-80 लाख का काम हो चुका होगा, और पूरी ग्राम पंचायत में सारी एक आध गली छोड़ो सारी गली इंटरलॉकिंग, उसके बाद भी जो ग्राम पंचायत में टंकी बनाई जा रही है इसकी लेखपाल से लेकर कोई बैठक कहीं नहीं है, ना कोई जन निगम का अधिकारी आया है, और जितने समस्त ग्रामवासी यहाँ खड़े हैं किसी की उपस्थिति में कोई बैठक नहीं बुलाई गई है, और ना किसी सूचना दी गई और बिना पूछे वहाँ पे आवंटन कर। ये लगभग कहने का मतलब साफ निकल के आ रहा है, ये क्या ग्राम प्रधान की दबंगी है या प्रशासन की दबंगी के द्वारा ये टंकी बनाई जा रही है? मैं तो प्रशासन की सबसे पहले मानता हूँ कि SDM साहब को इसमें साथ शिकायत एक बार फोन पर कराई भी गई थी और लेखपाल से बोला भी गया था, और इसकी भी या तो एक्शन साहब को वकील साहब ने शिकायत की है। मैं समझता हूँ इसमें SDM साहब
और जलगांव शासी अभियंता की बहुत बड़ी है। आपके गांव में ग्राम पंचायत जगह नहीं है? मेरे सामने एक युवा और हैं, मैं उनसे पूछूंगा क्या आपके ग्राम के आसपास कोई ग्राम पंचायत जमीन है कि नहीं? तमाम जमीन है। तेज बोले, तमाम जमीन है, काफ़ी जमीन है। हाँ, उसमें भी बन सकती थी। और सबसे बड़ी बात ये है, टंकी बने या न बने लेकिन सड़कें न टूटें। सबसे बड़ी बात तो ये हो रहा है कि ग्राम पंचायत में मेरे बगल में गांव रठेरा लगा हुआ है, विद्यालय की जमीन पर टंकी बनी हुई है और मेरे विद्यालय में तीन स्कूल बने हुए हैं। तीन में दो विद्यालय मेरे पास ऐसे हैं जिसमें एक में कम से कम 3 बीघा जमीन है और एक में 4 बीघा नाम पे जो ग्राम समाज वाला स्कूल के नाम दर्ज है। 4 बीघा फार्म हाउस, 1.5 से 2 बीघा बिल्डिंग बनी खड़ी है, 1.5-2 बीघा चाहे तो और निकल सकती है और उसमें टंकी बन सकती है। उसके बाद युवाओं की कहीं ना कहीं बात को गोल मटोल भी किया जाता, तो मेरे साथी एक लड़का है 45 साल की उम्र की, उनसे पूछिएगा उन्हें क्या नाम है, तेज बोलना। पानी में क्या नाम है आप? राजेश। अच्छा राजेश, जो भी पानी टंकी बनाई जा रही है सही है? गलत है। अच्छा गलत बनाई जा रही है। हमें रोड चाहिए, पानी नहीं चाहिए। अच्छा इन्हें तो रोड चाहिए, पानी नहीं चाहिए। एक और है, क्या नाम है आपका? अच्छा मनोज जी, पानी टंकी लेके आप क्या ग्रामवासी नाराज है, बनाई जाए? नहीं बननी चाहिए। इनका भी साफ साफ कहना है कि टंकी ना बने वही अच्छा है, ग्राम में जो सड़कें बनी हुई वो तहस नहस हो जाएंगी। ग्राम पंचायत के लोग सख्ती से नाराज हैं और याचिका भी दायर कर चुके हैं। मैं अपने कैमरा मैन पर्सन के साथ, मैं वासंग पब्लिक लाइव न्यूज चैनल जनपद मैनपुर से। ग्राम टिंडौली में पेयजल की टंकी तो बन रही है लेकिन उस टंकी को रोकने के लिए ग्रामवासी पल पल आगे बढ़ रहे हैं और उनके वकील भी मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने न्यायालय मैनपुरी में मुकदमा दायर किया है। तो मैं उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे, पूछेंगे ग्रामवासियों की तरफ से एक केस है कि आप खुद अपनी तरफ से पैरवी इस मामले में कर रहे हैं। क्या नाम महोदय है आपका? मेरा नाम देवेश जी कटारिया है। मैं कैमरे में देखें सर आप। मेरा नाम देवेश जी कटारिया है और मैं ग्राम पंचायत टिंडौली का ही रहने वाला हूँ और उसी ग्राम पंचायत के लोगों ने मुझे बताया कि गलत जगह पर पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। इसी संबंध में मैंने सिविल कोर्ट मैनपुरी में केस दायर किया है। इसमें जिलाधिकारी मैनपुरी, मुख्य विकास अधिकारी मैनपुरी को, सदर मैनपुरी SDM तथा ग्राम प्रधान को और लेखपाल को पार्टी बनाया है और मैंने कल एक प्रार्थना पत्र और दे रहा हूँ 151 CPC के तहत कि 30 जून से माननीय न्यायालय बंद हो रही है, सिविल सूट केस बंद हो रहे हैं। इस कारण से इस केस को दोबारा सुनने के लिए जाए और जून में विपक्षी लोगों को कार्य करने से रोका जाए। बात तो पानी की है, मुकदमा भी आपने डाल रखा है लेकिन जो ग्रामवासी भी कह रहे हैं मामले को तो पकड़ाया जा रहा है। ठेकेदारी अपने तानाशाही पर इसमें अड़ा हुआ, क्या न्यायालय जीतेगा या फिर ठेकेदार जीतेगा या DM का जो महकमा प्रशासन के वो जीतेगा? क्या न्यायालय इस बात को आपके पक्ष में देगा या किसके पक्ष में ये मामला जाएगा, पूरा बताएं। इसमें जीत हार की कोई बात नहीं है। ये जब मोदी सर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा केंद्र सरकार की योजना पेयजल की चल रही है, जब वो जिस जगह पर पानी की टंकी निर्माण हो रहा वहाँ पर जब पानी नहीं सुविधा मिल पाई, जीत हार की बात नहीं है। जैसे कि जो टिंडौली ग्राम पंचायत है 3 किलोमीटर दूर पानी की टंकी निर्माण कराया जा रहा है, जब मात्र सिर्फ 10 घर है जबकि ग्राम पंचायत में टिंडौली में 5000 की आबादी है, वहाँ पर निर्माण कराना चाहिए था। इसमें तहसीलदार, लेखपाल और ग्राम प्रधान द्वारा गलत रिपोर्ट दी गई है कि ग्राम पंचायत टिंडौली में जगह नहीं है जबकि ग्राम पंचायत टिंडौली में ग्राम सभा की काफ़ी जगह उपलब्ध है, वहाँ पर निर्माण कराना चाहिए। हमारे साथ देवेंद्र कटारिया से मेरी पूरी बात हुई और जो मामला था उन्होंने खुलकर बताया। मैं पब्लिक लाइव न्यूज चैनल से जनपद मेंबर से उमा संदेश।